10 जुलाई 2023 में आपके राशि अनुसार आपके दिन कैसे जाएंगे, चलिए जानते हैं। और दोस्तों, डिस्क्रिप्शन पे राशि का नाम लिखा हुआ है, उसके साथ टाइमिंग है। सो आपकी जो भी राशि है वो टाइमिंग में क्लिक करने से आप अपनी राशि के अनुसार देख सकते हैं। मेष राशि, 10 जुलाई 2023 में मेष राशि का भाग्यशाली रंग आप देख सकते हैं, दिमाग दिन का मिजाज देख सकते हैं आप। भाग्यशाली संख्या है 7, भाग्यशाली समय है 11:22 AM। अब देखते हैं प्रेम के बारे में क्या लिखा है। मेष राशि वाले बहुत रोमांटिक मूड में होते हैं और फिर भी आपको जो कुछ भी कहते हैं उसमें आपको बहुत सावधान रहना होगा, क्योंकि नेक इरादे वाली कोई भी बात गलत हो सकती है या खराब हो सकती है। इसके बारे में 100% दिया हुआ है, सो अच्छे से गौर कीजिएगा। उसके बाद है आजीविका मतलब करियर। कई एडियन कथा साहित्य के प्रतिभाशाली लेखक बनते हैं, क्योंकि आपके पास बहुत अच्छी कल्पना शक्ति और सशंक जीवन आवाज है। आज आप लिखित संचार से प्रभाव डाल सकते हैं, चाहे आप गद्य लिखे या प्रस्ताव पत्र भेजे। पत्र के लिए प्रतिलिपि लिखे या नई सेवाओं के बारे में ग्राहकों को लिखे। धन के बारे में लिखा है, जटिल समस्याओं को सुलझाने के लिए दूसरों के साथ मिलकर काम करने में आप भाग्यशाली है। स्वास्थ्य के बारे में है, खेल उत्तम मेष राशि के लिए एक बेहतरीन आउटलेट है, और जहां आप समूह में या टीमों के साथ बातचीत करते हैं तो आप अच्छा प्रदर्शन करते हैं, क्योंकि ये आपके लिए अधिक प्रेरणादायक होता है। उसके बाद यात्रा के बारे में बोला है, अगले सप्ताह किसी कार्य की तैयारी के लिए यात्रा करना शुभ रहेगा। उसके बाद जाते हैं वृषभ राशि। वृषभ राशि का 10 जुलाई 2023 में भाग्यशाली रंग देख सकते हैं आप, दिन का मिजाज भी देख सकते हैं आप। भाग्यशाली संख्या है 8, भाग्यशाली समय है 3:29 PM। अगर प्रेम की बात करें तो सिंगल राशि वाले सिंगल रहने के कारण काफी थका हुआ महसूस करेंगे। हालांकि हर उस व्यक्ति को हाना कहे जो आपके साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करता है, पैसों को लेकर वाद विवाद होगा। ये प्रेम के बारे में लिखा है दोस्तों। आजीविका मतलब करियर। कुछ लोग आज आपको तौर तरीके और आपके तौर तरीकों पर सवाल उठाएंगे। इसे अपनी सफलता की राह से भटकने ना दे। कुछ वित्तीय लाभ की उम्मीद करें, मतलब वित्तीय मतलब फाइनेंशियल, कुछ फाइनेंशियल लाभ की उम्मीद करें आप। धन के बारे में लिखा है, बृहस्पति आज आपके लिए कोई भाग्यशाली संदेह नहीं भेज रहा है, आज भाग्य के खेल में भाग ना ले। स्वास्थ्य के बारे में लिखा है, यदि आप इस समय किसी भी तरह की रिकवरी में है तो बस ये जान ले कि आपका शरीर और आपका दिमाग आभारी है और ये एक कदम आगे है, हिम्मत मत हारो। ये स्वास्थ्य के बारे में लिखा है। अब यात्रा के बारे में बोला है, यात्रा आपको दुनिया की सारी सुंदरता की याद दिलाती है, इसे खुली बाहों से स्वीकार करें। अब आते हैं दोस्तों मिथुन राशि। मिथुन राशि 10 जुलाई 2023 में भाग्यशाली संख्या है देख सकते हैं आप, भाग्यशाली रंग देख सकते हैं आप, दिन का मिजाज भी देख सकते हैं। भाग्यशाली संख्या है 1, भाग्यशाली समय है 6:36 PM। अगर प्रेम की बात करें तो चाहे आप अकेले हो या अविवाहित हो, हर कोई आपकी सुंदरता और आपकी हास्य को की प्रशंसा करता है। मेष राशि का कोई व्यक्ति आज आपको आपके साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करेगा, लेकिन जरूरी नहीं है कि ये कुछ आशाजनक हो। आजीविका, आज आप कार्यस्थल पर कोई बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं, आपको कुछ
वित्तीय हानि का अनुभव होगा, वित्तीय मतलब फाइनेंशियल, आपको कुछ फाइनेंशियल हानि का अनुभव होगा, लेकिन आप जल्दी ही इसकी भरपाई कर लेंगे। धन के बारे में है, सौभाग्य का ग्रह बृहस्पति आपकी और आपके बिंदु की रक्षा कर रहा है। स्वास्थ्य के बारे में लिखा है, ज्यादा बहाने नहीं, आपके आपको अपने और अपने स्वास्थ्य के प्रति अधिक जिम्मेदार होना होगा। कुछ ऐसा करें जिससे आपका इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत हो जाए। इम्यूनिटी मतलब आपका शरीर का जो मतलब फिजिकल फिटनेस जो है वो आपका मजबूत रहे, आपको ख्याल रखने की जरूरत है। यात्रा करते समय सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि खुश और सकारात्मक मानसिकता बनाए रखिए। अपने नियंत्रण से बाहर की चीजों को लेकर परेशान ना हो। 10 जुलाई 2023 में कर्क राशि के बारे में, भाग्यशाली रंग है, देख सकते हैं आप दिन का मिजाज, देख सकते हैं आप, भाग्यशाली संख्या है 8, भाग्यशाली समय है 5:23 PM। प्रेम के बारे में लिखा है, फ्लर्ट करना आज आपको आपके दूसरे स्वभाव जैसा रहेगा। उस व्यक्ति से संपर्क करें जिसकी आप लंबे समय से प्रशंसा करते रहे हैं। हो सकता है कि वे जवाबी फ्लर्ट करें। लिए गए संकेत एक अच्छे आलिंगन शस्त्र का आनंद लेंगे। आजीविका मतलब करियर के बारे में है, कार्यस्थल में कुंभ राशि वाले आपके लिए कुछ अच्छी सलाह देंगे। एक बहुत बड़ा अवसर है जो जल्द ही आपके सामने आने वाला है। धन के बारे में लिखा है, दुर्भाग्य से भाग्यशाली ग्रह बृहस्पति आज आपके बहुत अधिक भाग्यशाली संदेश नहीं दे रहा है। स्वास्थ्य के बारे में लिखा है, आज ज्यादा शराब पीने या सिगरेट पीने का दिन नहीं है। अगर आप फल और सब्जियां अधिक खाएंगे तो ये आपके लिए अच्छा होगा। यात्रा के बारे में लिखा है, एक वित्तीय झटका लगा है जो, वित्तीय झटका मतलब फाइनेंशियल जो होता है, एक फाइनेंशियल झटका लगा है जो आपकी यात्रा की योजना को बर्बाद कर सकता है। इस बारे में सोचें कि सबसे अच्छा कदम क्या होगा। 10 जुलाई 2023 में सिंह राशि के बारे में क्या बोला है चलिए देखते हैं। भाग्यशाली रंग आप देख सकते हैं, दिमाग का मिजाज भी आप अच्छा नहीं है, देख सकते हैं। भाग्यशाली संख्या है 6, भाग्यशाली समय है 8:04 AM। अब प्रेम के बारे में देखते हैं, संकेत ये है कि वे आप अपने सभी के साथ प्यार और देखभाल से भरा एक शानदार दिन बिताने वाले हैं। सिंगल लोगों को हवाई राशि के जातक के साथ फ्लर्टिंग में मजा आने वाला है। आजीविका मतलब करियर, अपने सहकर्मियों के साथ कुछ समय बिताए, खासकर यदि कोई आपको सलाह देना चाहता है या यदि आपके पास किसी छोटे सहकर्मी के लिए सलाह है। धन के बारे में है, सौभाग्य के नियंत्रित करने वाला ग्रह बृहस्पति आज आपकी और कुछ शक्तिशाली ऊर्जा भेज रहा है। स्वास्थ्य, आप स्वभाव से बहुत ऊर्जावान हैं। एक अच्छा वर्कआउट आपको अपने शरीर और अपने बारे में अच्छा महसूस करने में मदद करता है। ये निष्क्रिय रूप से आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा। यात्रा के बारे में है, यदि आप आज या किसी दिन यात्रा कर रहे हैं तो सुनिश्चित करें कि आप उन सभी चीजों की एक सूची बना लें जिन्हें आपको अपने साथ ले जाना है। 10 जुलाई 2023 में कन्या राशि के बारे में क्या बोला है चलिए देखते हैं। भाग्यशाली रंग देख सकते हैं, दिन का मिजाज भी देख सकते हैं। भाग्यशाली समय है 4, भाग्यशाली संख्या है 4, भाग्यशाली समय है 11:55 AM। प्रेम के बारे में लिखा है, उम्मीद है कि समापन आज से शुरू होगा क्योंकि नेपच्यून आपके अंत के क्षेत्र मीन राशि में प्रवेश कर रहा है। बंद होने से नई संभावनाएं आएंगी। आजीविका मतलब करियर, यदि आप अपने करियर की यात्रा में यहाँ आप चाहते थे वहाँ नहीं है तो चिंता ना करें, समय की हरता रंग लाएगी। धन के बारे में लिखा है, कन्या राशि आज भाग्य पर बहुत अधिक विश्वास ना करने का प्रयास करें। स्वास्थ्य के बारे में है, कन्या राशि अपने
स्वास्थ्य को नजरअंदाज ना करें, इससे आपको कई फायदा नहीं होगा, इससे आपको कोई फायदा नहीं होगा। यात्रा के बारे में है, अपने रचनात्मक दिमाग को फिर से सक्रिय करने में मदद के लिए एक सुसंस्कृत यात्रा करें। 10 जुलाई 2023 में तुला राशि का दैनिक राशिफल, भाग्यशाली रंग देख सकते हैं आप, दिन का मिजाज देख सकते हैं, भाग्यशाली संख्या होगा 0, भाग्यशाली समय है 6:16 PM। अब प्रेम के बारे में क्या लिखा है, आप उस सारे जुनून को महसूस करने जा रहे हैं जो शुक्र आपको प्रदान करता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप अकेले है या शादीशुदा है, आप दिन भर अच्छा महसूस करेंगे। आजीविका मतलब करियर, ये ऐसा है जैसे आप फंस गए हैं और आप वास्तव में नहीं जानते हैं आगे क्या करना है। आपका अभिमान त्यागे और किसी ऐसे व्यक्ति से मदद मांगे जिस पर आपको भरोसा है। धन के बारे में है, आपके सदैव भाग्यशाली संकेत माना गया है और ये बात आज आपको निराश नहीं करेगी। हालांकि जुआ ना खेले, गलती से भी जुआ मत खेलिएगा। स्वास्थ्य के बारे में है, आज अधिक सब्जियां खाने का प्रयास करें। यदि आपको निकट अतीत के खेल से संबंधित चोट लगी है तो आप चेकअप का समय निर्धारित करना चाह सकते हैं। यात्रा के बारे में है, हालांकि ये कुछ ऐसा है जिसका आप वास्तव में आनंद लेते हैं, आज का दिन आपके लिए यात्रा करने के लिए सबसे अच्छा दिन नहीं है, आप ट्रैफिक में फंस सकते हैं। 10 जुलाई 2023 में वृश्चिक राशि के बारे में क्या बोला है चलिए देखते हैं। भाग्यशाली रंग देख सकते हैं आप, दिन का मिजाज देख सकते हैं, भाग्यशाली संख्या है 4 और भाग्यशाली समय है 4:05 PM। ये कुछ प्रेम के बारे में क्या लिखा है चलिए पढ़ते हैं। ये कुछ ऐसा है जिसके बारे में आपने अतीत में लड़ाई की है, लेकिन ऐसा लगता है कि आपका साथी इसे समझ नहीं पा रहा है। कुछ समय अलग बिताना स्वस्थ है और सिर्फ इसलिए कि आप दोनों एक साथ हैं। इसका मतलब ये है कि ये नहीं है कि आपके समान शोक होने चाहिए। आजीविका मतलब करियर, प्रेम और धन को नियंत्रित करने वाला ग्रह शुक्र संतुलन में है। यदि आप अपना खुद का व्यवसाय करते हैं तो आज का दिन ढेर सारा आर्थिक मुनाफा लेकर आएगा। आज समझदारी से वित्तीय कदम उठाए, जरूरत पड़ने पर सलाह मांगे। धन के बारे में क्या बोला है, अंक 38 और 13 आपके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं लेकर आने वाला है, विशेषकर वित्तीय भाग्य, मतलब फाइनेंशियल जो होता है वित्तीय भाग्य, वित्तीय को फाइनेंशियली कहते हैं। स्वास्थ्य के बारे में क्या बोला है, किसी ऐसे परिचित से पूछे जो नियमित रूप से वर्कआउट करता है, क्या आप उनके साथ जुड़ सकते हैं, या हो सकता है कि एक स्वास्थ्य वर्कआउट करने वाले समूह में भी शामिल हो। आप हमेशा लोगों से घिरे रहने पर बेहतर महसूस करते हैं, भले ही कोई आपसे सीधे तौर पर बात ना कर रहा हो। अब यात्रा के बारे में बोला है, एक अच्छी छुट्टियां आपका भला करेंगी। यदि यात्रा करना एक ऐसी चीज है जिसे करना आपको हमेशा से पसंद रहा है तो इसके बारे में कुछ करें और एक यात्रा की योजना बनाएं। 10 जुलाई 2023 में धनु राशि के बारे में क्या बोला है चलिए देखते हैं। भाग्यशाली रंग देख सकते हैं आप, दिन का मिजाज भी देख सकते हैं आप, अच्छा नहीं है, भाग्यशाली संख्या है 0, भाग्यशाली समय है 3:06 AM। प्रेम के बारे में बोला है, विवाहित राशि वाले बच्चे पैदा करने जैसे बड़े विषयों पर बात करने वाले हैं। आप दोनों के लिए कितना रोमांचक हो दिन है। सिंगल राशि वाले मेष राशि वालों से खूब फ्लर्ट करेंगे। ये कोई ऐसा व्यक्ति भी हो सकता है जिसे आप कार्यस्थल से जानते हो। आजीविका मतलब करियर, अगर आप बेरोजगार है तो आज वो दिन हो सकता है जिसका आप इंतजार कर रहे थे। हालांकि आपका नया नियोक्ता आपके पुराने वेतन से मेल नहीं खा पाएगा। छिपी हुई
फीस के लिए अपने बैंक विवरण की जांच करें। धन के बारे में लिखा है, पैसे के मामले में आपको थोड़ी किस्मत का साथ मिलेगा। अंक 86 और 14 आपके लिए सौभाग्य लेकर आने वाला है। स्वास्थ्य, रात की अच्छी नींद आज आपके लिए चमत्कार करेगी। हाइड्रेटेड रहे और भारी शराब का सेवन ना करें। यदि आप काम से घर तक की यात्रा को थोड़ा लंबा कर सकते हैं तो आज ही करें, इससे आपको सोचने के लिए बहुत समय मिलेगा। 10 जुलाई 2023 में मकर राशि के बारे में क्या बोला है, चलिए देखते हैं। भाग्यशाली रंग आप देख सकते हैं, दिमाग का मिजाज भी देख सकते हैं। भाग्यशाली संख्या है 3, भाग्यशाली समय है 10:31 PM। अब प्रेम के बारे में बोला है, शुक्र अच्छी ऊर्जा भेज रहा है। चाहे आप अकेले हो या शादीशुदा हो, आपका समय बहुत अच्छा बीतेगा। अपने अधिक रोमांटिक पक्ष को अपनाने का प्रयास करें और अधिक कामुक बनने का प्रयास करें। जब भी संभव हो ब्रेक लेना याद रखें। मकर राशि, आज आपके कंधों पर बहुत अधिक जिम्मेदारी हो सकती है। वास्तव में काम पूरा करना आपके लिए आसान बनाने के लिए अपने कार्यभार को विभाजित करें। धन के बारे में बोला है, आज आपका शुभ अंक 50 और 83 है। बृहस्पति आपको वित्तीय विभाग मतलब फाइनेंशियली विभाग वित्तीय विभाग में ढेर सारी किस्मत भेज रहा है। स्वास्थ्य के बारे में लिखा है, समूह व्यायाम करना आपके लिए मजेदार हो सकता है। बस ये सुनिश्चित करें कि आप खुद से अधिक काम ना ले। हाइड्रेटेड रहना ना भूले और बहुत चिकना भोजन से दूर रहे। यात्रा के बारे में बोला है, आज बस या कार से यात्रा करने के लिए सबसे अच्छा दिन नहीं है। यदि आपने ऐसी किसी यात्रा की योजना बनाई है तो उसे स्थगित करना ही बेहतर होगा। 10 जुलाई 2023 में कुंभ राशि के बारे में क्या बोला है, चलिए देखते हैं। भाग्यशाली रंग आप देख सकते हैं, दिन का मिजाज भी आप देख सकते हैं। भाग्यशाली संख्या है 4, भाग्यशाली समय है 1:48 AM। प्रेम के बारे में लिखा है, एकल राशि वाले जरूरतमंद और अकेला महसूस कर रहे हैं। अपने आपके साथी को स्नेह की सख्त जरूरत है। वे ऐसा महसूस करते हैं कि उन्हें हल्के में लिया जा रहा है, इसीलिए उनके साथ बैठे और उन्हें दिखाए कि आप उनकी कितनी परवाह करते हैं। आजीविका मतलब करियर, बेरोजगार राशियों को आज कोई बढ़िया नौकरी पाने का मौका मिलेगा। आप चाहे कुछ भी करें, आज कोई कर्ज ना ले। आज शेयर बाजार में निवेश करना सबसे अच्छा विचार नहीं है। धन के बारे में बोला है, आपके भाग्यशाली अंक 4 और 18 है। याद रखें कि आप ये अंक कहाँ देखते हैं। अब स्वास्थ्य के बारे में क्या बोला है, यदि व्यायाम आपकी दिनचर्या का हिस्सा है तो हो सकता है कि आप आज थोड़ा व्यायाम धीमा करना चाहे। अपने शरीर को आराम करने और ठीक होने दे। यात्रा के बारे में लिखा है, लिए गए संकेत वास्तव में अपने किसी विशेष व्यक्ति को के साथ रोमांटिक रोमांच का आनंद लेंगे। अपने साथी को इस रोशनी में देखना दिलचस्प और मजेदार होगा। 10 जुलाई 2023 में मीन राशि का भाग्यशाली रंग देख सकते हैं आप, दिन का मिजाज भी देख सकते हैं आप। भाग्यशाली संख्या होगा 0, भाग्यशाली समय है 12:43 AM। प्रेम के बारे में लिखा है, विवाहित मीन राशि वालों के बीच धन से संबंधित या समस्याओं जो वित्त से संबंधित है मतलब फाइनेंशियल से संबंधित है, समस्याओं से संबंधित एक छोटा सा विवाद हो सकता है। मिथुन राशि वालों के लिए आज सिंगल लोगों को अच्छा महसूस हो रहा है। आजीविका मतलब करियर, आप लगातार प्रगति कर रहे हैं। दिन के अंत में ये याद ना रखें, आपका काम सिर्फ आपका काम है। ये परिभाषित नहीं करना कि आप कौन है और क्या है।
धन के बारे में लिखा है, आज आपका भाग्यशाली अंक 59, 87, 92 और 26 रहने वाला है। अधिक सौभाग्य के को आकर्षित करने के लिए हल्के नीले रंग की कोई वस्तु पहने। स्वास्थ्य के बारे में लिखा है, वर्तमान ग्रह संरेखण के साथ ये बहुत संभव है कि आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली थोड़ी कम हो। आज आप बीमारियों से ग्रस्त रहने वाले हैं, इसलिए बीमार लोगों से दूर रहे। यात्रा के बारे में लिखा है, आपके घूमने के लिए सबसे अच्छा देश मैसेडोनिया होगा। ये एक छोटा सा देश है, लेकिन वह बहुत सुंदरता है।